सिवान में महज 5,000 रुपए के लिए दबंगों ने मारी महिला को गोली, घायल। घायल महिला का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुरैना गांव का है ये मामला। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुरैना गांव में गुरुवार की देर संध्या मात्र 5,000 रुपए के लिए एक महिला की गोली मारकर जख्मी कर दिया गया और फरार हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुरैना गांव निवासी बिरल रावत की पत्नी गायत्री देवी गांव के ही एक दबंग किस्म के व्यक्ति से ब्याज पर कुछ दिन पूर्व 5,000 रुपए कर्ज ली थी। गुरुवार की रात्रि तकरीबन 10 बजे सभी लोग अपने अपने घर में सोए हुए थे, तभी रुपए की मांग करने के लिए वह व्यक्ति गायत्री देवी के घर पहुंचा। उसने आवाज लगाई, तभी गायत्री देवी अपने गोद में 2 वर्ष के बच्चों को लेकर निकली। आरोपी व्यक्ति ने अपने रुपए की मांग की और गायत्री देवी ने कहा कि अभी रुपए नहीं है, रुपए आते ही ब्याज के साथ चुका दूंगी। इतनी ही बात पर उसने अपने दो साथियों को फोन कर बुला लिया और गायत्री को घर से खींच कर ले जाने लगे। तभी युसक बच्चा उसके गोद से गिर गया और महिला इसका विरोध करने लगी। इस हल्ला हंगामा को सुन कुछ अन्य महिलाएं उसके दरवाजे पर पहुंची और तू तू मैं होने लगा। इसी बीच आरोपी नाले में गिर गया। फोन से बुलाए उसके साथियों ने उसे बाहर निकाला और एक साथी ने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और गायत्री देवी को गोली मार दी, लेकिन गोली उसके पैर के जांघ में लगी और वह घायल हो गई। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने उसे रात्रि में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना की सूचना पर पहुंची मुफस्सिल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर सदर अस्पताल में इलाज के दौरान घायल महिला गायत्री देवी के फर्द बयान पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। हालांकि घटना के बाद सभी परिजन घायल महिला के इलाज में लगे हुए हैं। थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। न्यूज इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।